हिंदी भाषी लोगों के आवेग का प्रतीक है। बहुत से लोग युवा से वृद्ध हो गए, बहुत से लोग हम लोगों को छोड़कर चल बसे इसी सपने के साथ कि आदर्श विद्यालय का अपना कोई भवन हो। और यहाँ के लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय के लिए जो जमीन का आवंटन का मामला है वो भी नगर निगम की ओर से किया गया, और ये जो बिल्डिंग बनाने का काम है ये भी आसनसोल नगर निगम की ओर से किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस विद्यालय के भवन को छात्र छात्राओं के देने के साथ साथ जो छात्र छात्राएं इस विद्यालय में पढ़ते हैं उनको तो जो सुविधा मिलेगी वो मिलेगी, इसके साथ साथ इस रेल पार इलाके के बहुत से लोगों का जो आवेग इसके साथ जुड़ा हुआ था उनको भी कहीं ना कहीं मन में शांति मिलेगी कि 20, 30, 40, 50, 60 वर्षों से हम लोगों के मन में जो इच्छा थी कि जिस स्कूल में हम लोग पढ़े भले हुए उसका अपना एक भवन हो, और ये तभी संभव हो पाया है जब यहाँ के लोगों ने इसके लिए समर्थन का हाथ बढ़ाया। अब दूसरा पड़ाव आज से प्रारंभ होगा। स्कूल बिल्डिंग मिलने के बाद हम लोग ये चाहेंगे कि इस स्कूल से जो छात्र आगे जाएंगे वो अपनी जिंदगी में तरक्की करें, अपने जीवन के उत्कर्ष तक पहुंचे, और उसके बाद इस शहर आसनसोल की सेवा करें, यहां का नाम उज्जवल करें। आसनसोल की मिट्टी के साथ हम सारे लोगों का एक भावनात्मक लगाव है। स्वभावतः जब आसनसोल को कोई सम्मान की नजर से देखता है तो उसके प्रति हमारे मन में सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन यदि कोई आसनसोल शहर को नीचा दिखाने का प्रयास